नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज अयोध्या में हिंदू धर्म सभा का आयोजन हुआ। काफ़ी संख्या में जो है यहां पर लोग जुटे और हिंदू परिषद के, विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के, बीजेपी के काफ़ी लोग, नेता लोग, संत लोग जो हैं वो यहां पर जुटे। तो इसी पूरे मुद्दे पर बात करेंगे आज इकबाल अंसारी जी से। आज जो है हिंदू धर्म महासभा का जो है आयोजन हुआ, किस तरह से देखते इस पूरे आयोजन को आज आप? देखिए, अयोध्या में जो धर्म सभा हुई है, धार्मिक लोग बैठे हुए थे, संत बैठे हुए थे। संतों का हम इस्तकबाल करते हैं। संतों का काम है धर्म प्रचार करना और जितने भी लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे सबको सही रास्ता बताना उनका काम है। ये धर्म के लोग यही काम करते हैं, जो है संत यही काम करते हैं। वो संत का काम पूजा पाठ जो है पाठ करना है, जनता को आशीर्वाद लेना है। अब इसके आगे उन्होंने क्या कहा है, हम तो इतना ही जानते हैं कि उन्होंने एक धर्म का प्रचार किया है और लोगों को सही रास्ता बताया है। अयोध्या में वो जो है अपना धार्मिक प्रचार किए हैं, हमारे इतना ही समझ में आया। आप कह रहे हैं कि उन्होंने सही रास्ता बताया है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय ने अब दावा ठोक दिया है कि उनको जो है मंदिर बनाने के लिए पूरी की पूरी ज़मीन चाहिए। भाई, चंपत राय किससे, हमसे तो मांगे नहीं हैं, इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में है। वो हमसे नहीं मांगे, वो कोर्ट से मांगे हैं। अब कोर्ट उनको दे ना दे, वो कोर्ट जाना है। लेकिन वो कोर्ट में नहीं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है 11 दिसंबर तक इस पर अध्यादेश लेके आए। अब ये बीजेपी से कहे हैं, हमसे तो कहे नहीं हैं। सरकार अध्यादेश लेके आएगी आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि क्या ला रही है क्या नहीं ला रही, ये काम सरकार का है। अब हम तो सरकार में है नहीं। यहाँ पर जो है हिंदू धर्म सभा से पहले जो है खबरें ऐसी आ रही थी कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो काफ़ी भयभीत है, डरा हुआ है, पलायन कर रहा है। तो आज ये पूरा आयोजन हुआ, उसके बाद आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज जो है जो सुख शांति लोगों को आज मिली है ये माननीय योगी जी की सरकार की देन है। और यहाँ के जितने भी फैजाबाद में जितने भी अफसर लगाए गए थे, कर्मचारी लगाए गए थे, सबने अपना जो है बिल्कुल धर्म के हिसाब से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, कहीं कोई पत्ता नहीं हिला, जिससे लोग सरकार का और कानून की जो है वो इस्तकबाल कर रहे हैं, उनका जो है स्वागत कर रहे हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही अधिकारी होना चाहिए कि जिनके रहते हुए अयोध्या में कोई पत्ता नहीं हिला और धर्म का प्रचार भी हुआ, लोग शांतिपूर्वक दर्शन किए, पूजा किए, और क्या चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो राम मंदिर को लेकर के एक नए सिरे से जो है तैयारियां शुरू हो रही है, नए सिरे से जो है एक अलग से आंदोलन को रूप देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये है, जितने दिन बीतते जाएंगे नया नया फार्मूला लोग लाते जाएंगे, कितने बातों का जो हम लोग जवाब देते रहे। हम तो यही जानते हैं कि इसका मसला सुप्रीम कोर्ट में है। हम इससे पहले राष्ट्रपति को ज्ञापन दे चुका हूँ कि इसका फैसला होना चाहिए, फैसला कोर्ट करे, और जो कि कोर्ट फैसला करेगा हम मान लेंगे। हम ये कभी नहीं कहते कि हम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, कोर्ट फैसला पहले करे। तो कानून रही अध्यादेश लाने की, रही कानून बनाने की बात में, जब ऑलरेडी हम ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, पक्षकार को भी सब जो है विश्वास है, हिंदू पक्षकार है उसको भी विश्वास है कोर्ट पे, मुस्लिम पक्षकार है उसको भी विश्वास है कोर्ट पे, ये जो अलग से नेता आए हैं इनको नहीं विश्वास है कोर्ट पे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी राम मंदिर के मुद्दे में जो है एंट्री हो गई और उन्होंने अलवर में कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस पर सुनवाई हो। तो क्या आपको लगता है कि 2019 के लिए सरकार जो है एक प्लॉट तैयार कर रही है? देखिए, हमने जो है उन्होंने क्या कहा है, ये कांग्रेस और माननीय मोदी जी से आपस में क्या बात हुई है उसका तो हम जिक्र नहीं जानते, लेकिन यहाँ तो मसला सुप्रीम कोर्ट पे है। 2019 के लिए ज़मीन तैयार कर रही है सरकार राम मंदिर के नाम पर? देखिए, ऐसा है, जिसको वोट देना होगा ऐसे भी देगा, जिसको नहीं देना होगा वो नहीं देगा। ये कितना भी आदमी को कुछ भी कर ले, जनता अब बहुत समझदार है किसको जो है वोट देना है किसको नहीं देना है। लोग मंदिर और मस्जिद के भी विवाद में अब लोग नहीं फंसने वाले हैं, लोग जान भी रहे हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को विकास चाहिए। लोग अब देख रहे हैं कि लोग हम मंदिर मस्जिद के झगड़े में फंस करके जो है और अपने हमारा विकास बड़ा पीछे हो रहा है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। जिस ज़िले में मिल है वहाँ मिल नहीं बन रही है, जिस फैक्ट्री नहीं लग रही है, तो नौजवान केवल जो है मंदिर के पीछे दौड़ेगा अगर, तो उसको रोजी नहीं मिलेगी। ये सिस्टम है। हम तो ये चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद के झगड़े में लोग ना फंसें, रोजगार के जो है पीछे हो जाएंगे, हमें नौकरी चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए।
चलिए, तो इकबाल अंसारी का कहना यह है कि नौजवान जो है वो मंदिर मस्जिद के झगड़े में ना फंसे, विकास की बात करें, लेकिन नेताओं की माने तो इस बार जो है राम मंदिर को लेकर के एक पूरा ये जो आंदोलन पूरा चल रहा था उसको नए सिरे से जो है खोलने की अब तैयारी हो गई है और 2019 के लिए कहीं ना कहीं जमीन बीजेपी तैयार कर रही है ऐसा लगता है। बहरहाल आप राम मंदिर को लेकर के क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी फ्री में सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।